प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज पर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की लड़ाई कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं लड़ी जा सकती। इस पर हो रही चर्चाओं को लोगों के घरों में उनके डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। उन्होंने सभी लोगों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज पर हो रही चर्चा में पीएम मोदी ने भारत के लाइफ मिशन को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना होगा। क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में केवल सरकारें ही नहीं, लोग भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि लाइफ मिशन के तहत एलईडी का इस्तेमाल कर हम 39 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन होने से रोक सकते हैं। प्राकृतिक खेती कर, कचरा कम कर और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने से 22 बिलियन यूनिट ऊर्जा को बचाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फाइनेंस को 26% से बढ़ाकर 35 करने वाला है। भारतीय मूल के अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले हैं। उनके सामने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए देशों को फंड देने की बड़ी चुनौती है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जैसे विकसित देश वर्ल्ड बैंक की फंडिंग को क्लाइमेट चेंज की तरफ डाइवर्ट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विकासशील देश अपने डेवलपमेंट यानी विकास से जुड़े प्रोग्राम को फंड करने पर जोर देने पर कायम है। वहीं बैंक के पास दोनों ही कामों के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक को 2030 तक हर साल $2.5 trillion यानी 204 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक 2015 तक अमेरिका दुनिया में 40% कार्बन उत्सर्जन व यूरोपियन यूनियन 29% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था। वहीं G8 में शामिल 8 देश 85% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। इन देशों की तुलना में भारत और चीन जैसे कई विकासशील देश अपनी सीमा में रहते हुए कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। अमेजन और कैलिफोर्निया के स्क्वायर जंगल की आग ने भी तापमान को बढ़ाया है। ये दोनों जंगल नॉर्थ पोल के देशों में हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।